इतनी देर से, कब से घंटी बजा रहा हूँ मैं? वो दरअसल बस वो थोड़ा सा ही बहाने शुरू, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, के लिए आज बेजार हो गया हूं मैं तुम्हारी सुस्ती से। जेब, अनस, बेटा जल्दी करो, 7 बज रहे हैं, देर हो रही है स्कूल के लिए। मामा थोड़ी देर और सोने देना, बाद में उठाइएगा। ओ, वैन मिस हो जाएगी बेटा, इस तरह नहीं करते। चलो ये लो, तुम ये लो, मैं जाके दादी के वॉशरूम में तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी उठो। ठीक है मामा। मैं इसको यहाँ पे करती हूँ, फटाफट काम करो सारे। चलो चलो अनस, देखो इसीलिए मैं सहरी के बाद तुम्हें सोने नहीं देती, मुझे पता था तुम तंग करोगे। तो आप भी तो तंग कर रही हैं, बार बार उठा रही हैं। रमजान का महीना बेटा, इसमें इबादत ज्यादा होती है और आराम कम होता है। और इस पे स्कूल वालों ने पेपर भी रख दिया है। हाँ तो अच्छी बात है ना, ईद की छुट्टियां आएंगी, मजे से आराम करना, सारा वक्त आराम करते रहना, सोते रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगी तुम। लो चलो उठो अभी, मामा। चलो मेरा बेटा, जोर 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 जोर, चलो चलो चलो, शाबाश, 5 मिनट है तुम्हारे पास। घोड़े जितने हो गए, वो लेस नहीं अभी तक बांध नहीं आई है। कितनी दफा मैंने तुम्हें सिखाया? 1 महीने के अंदर अंदर सीख जाओ, लाओ दूसरा था। एर अलग हो रही होती है, इतनी देर से वो वैन वाला हॉर्न दे रहा है, तुम्हें पता है 2 मिनट में चला जाता है, वो इंतजार नहीं करेगा। बस नीचे पहुंचो, मैं बैग लेके आ रही हूँ। अनस, अरे भाई अब क्या बच्चों को स्कूल के गेट तक छोड़ने जाओगी? आयशा, आयशा, क्या हुआ? अच्छा तुम स्त्री कर रही होती हो, तुमने देखा नहीं ये बटन कितना लूज पड़ा हुआ है? प्लीज देख लो उसको। ध्यान नहीं रहा, मैं अभी कर देती हूँ। सारा दिन तो घर में तुम पार्क बैठी होती हो, इन छोटी छोटी चीजों पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। बेटा, क्योंकि ये भी एक इंसान है और इंसान से भूल चूक हो जाती है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि ये सारा दिन फारिग होती है, अकेली जान है बेटा, पूरा घर संभालती है। अम्मी, 4 बर्तन धोना, 2 जोड़े कपड़े धोने को आप काम कहती हैं? आपकी इन्हीं बातों ने उसको सर पर चढ़ा रखा है। असल काम होता है घर पर कमा कर लाना, घर पर बैठकर मजे करना नहीं। फिर वही बात नोमान, अम्मी रहने, मैं बस करके लाती हूँ।